काव्य थे या पंक्तियाँ थी उनका संग्रह किया है, तो उसमें दंशन पावण में सम्यक दर्शन का ये स्वरूप दिया हुआ है कि 27 का श्रद्धान सम्यक दर्शन। द्वादशांगुल मात्रेण सप्तविंशति तंतु भी, आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे ये श्लोक बोल करके कि जो राखी का धागा है वो राखी जिसको पहनाने वाले हो आप, अगर खुद पहनने वाले हो तो अपने अंगुल से 12 अंगुल उसकी लंबाई रखना, ऐसे ये चार ये चार और ये चार, वो धागा 12 अंगुल का हो, तो अपने अंगुल से 12 अंगुल अपन देखेंगे तो वो अपनी कलाई पर फिट होगा। ऐसा कुछ प्रकृति का संयोग है कि अपना जो हृदय होता है वो अपनी मुट्ठी के ही बराबर होता है, वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, और अगर बड़ा है तो फिर वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन मानी जाती है, अस्वस्थ अवस्था मानी जाती है। तो ये 12 अंगुल का धागा होता है वो द्वादशांग का प्रतीक है, और सप्तविंशति तंतु भी, उसमें 27 धागे होते हैं। वो 27 धागे कौन से 27 धागे हैं, किसके प्रतीक हैं? अभी रक्षाबंधन आएगी ना तो ये एक नई बात अच्छी सीखने के योग्य है। तो वो 27 क्या है, तो फिर उसमें 5 अस्थिकाएँ, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ जोड़ लो, आ गया 27। अब आना ही है इसलिए ऐसा मत बोलो कि आ गया, गिन करके देखो। तो सप्तविंशति तंतु भी हरिद्रा कुंकुमालिप्तम, और उन धागों पर आपको अगर रंगीन बनाने हो धागे तो फिर उन धागों को हरिद्रा यानी हल्दी और कुमकुम, कुमकुम प्रसिद्ध है और कुमकुम का प्रयोग हमने वहाँ देखा था, दक्षिण महाराष्ट्र में नांदनी नाम का एक स्थान है, कौन से जिले में आता है पता नहीं, सांगली में आता है क्या या कोल्हापुर में आता है, जिला जिला कोल्हापुर में आता है ना। तो हमने पहली बार देखो श्रवण बेलगोल का भी महामस्तक अभिषेक हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर जो कुमकुम अभिषेक होता है उसका कोई जोड़ नहीं है, वो बेजोड़ है, पूरे कुमकुम में जल मिश्रित वो पूरे घड़े होते हैं, और उससे जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो वो एक अलग ही दृश्य होता है। तो हरिद्रा कुमकुमालिप्तम, वो जो धागा है वो हल्दी और कुमकुम से आलिप्त होता है, रंगा हुआ होता है। कंकणम व्रत बंधनम, तो उससे जो कंकड़ बनाया जाता है वो एक अपेक्षा से व्रतों का बंधन होता है, रक्षाबंधन व्रतों का बंधन है, क्योंकि व्रत ही आत्मा की रक्षा करते हैं, और मूल में वो 7 तत्व 9 पदार्थ आदि तो आ ही गए, उसको छोड़ना नहीं। आप ये मत वो समझ लेना कि यहाँ पर सिर्फ द्रव्य व्रतों की बात हो रही है, यहाँ पर सम्यक तो पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक व्रतों की बात है। अब वो पीला रंग और हल्दी का जो और जो